फरीदी सीरीज के नॉवेल का पार्ट 7। फरीदी के साथी हमीद का दोस्त कासिम गायब हो चुका था स्पेन से, और अब इस चैप्टर का नाम है फरीदी की आवाज़। तन लेन से मिली हुई इतला हमीद के लिए कतई बेसरों का थी। रोशन की सिंगापुर से आया था, अमेरिका जाने का इरादा रखता था। दरमियान में कासिम के अव्वा की बात आ पड़ी। मर बात क्या हुई, आखिर इस अव्वा का मकसद क्या था? अव्वा से पहले अपनी याददाश्त को बैठा, यही नहीं मिल गया अपनी जेंस तक का एहसास नहीं रहा, और इस जहनी हादसे से कुछ ही देर पहले हुई चीनीस की मेज़ पर देखा गया जो बाद में उसे होटल से ले गया था। रोशन की कौन था, क्या करना चाहता था? डॉन मैकार्टर ने तय लेन को सिलसिले में बहुत कुछ हिलाया झुलाया, लेकिन वह इससे ज़्यादा नहीं बता सका जितना पहली बार बता चुका था। रोशन की के इस बयान के मुताबिक सिंगापुर से आया था, सिंगापुर ही से इसके नाम की एक तारुफ़ी खत लाया था। वो खत चोगे तय लेन के करीबी दोस्त का था, इसलिए उसने रोशन की को अपने यहाँ ठहरने की इजाज़त दे दी। उसने बताया कि अगर उसे शोभा भी हो जाता किसी जुर्म की नियत से आया था तो वो उसे कभी अपने घर में जगह ना देता। अमीन ने डॉन में गाटे की आंखों में बेदबारी पढ़ ली थी। इसने उसे कहते सुना, अगर अपनी कह दिए चाहते हो तो 9 बजे रात तक उसको पैदा करो, अगर उसने कोई जुर्म ही किया है तो हाथ क्यों आएगा सीनेवल? तन लेन मुर्दा सी आवाज़ में बोला, मैं बकवास नहीं सुनना चाहता। डॉन मैकेटर ने गरज कर कहा, वो आदमी मेरा मेहमान था जिसे अपने साथ ले गया है। मैं तुम में से हर एक की चमड़ी उधेर कर रख दूँगा, मैं देखूँगा सीनेवल मगर हम बेकसूर है। इसके बाद डॉन मैकेटर के इशारे पर चीनियों की भीड़ वहाँ से खिसकने लगी। हमीद फिर डॉन मैकेटर के शराब खाने में वापस आ गया, और फिर जैसे ही मैकेटर के ऑफिस में पहुँचा किसी ऐसे नन्हे से बच्चे की तरह खुश आने लगा जो अपनी बिछड़ी हुई माँ से हर मुतवक्के तौर पर जा मिला। कर्नल फरीदी डॉन मैकेटर के ऑफिस में उसकी वापसी का मंतजर था। डॉन मैकेटर बड़ी गर्म जोशी के साथ उससे बगल गिर हुआ, फिर बोला, कर्नल बेहद अफसोस है कि मेरे मेहमानों को तकलीफ पहुँची। कैसी तकलीफ, मैं नहीं समझा। फरीदी के इस अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था कि जैसे हालात से लायल हो चुका हो। कासिम का वाकया इसने बड़ी हैरत से सुना। ओ हमीद, बुखला कर बोला, मैंने लंबे चौड़े तार के ज़रिए आपको मुतला किया था, मुझे तुम्हारी बड़ा कोई तार नहीं मिला। मैंने तुम्हें अपने ग्रीन अपने लंदन के पते से मुतला किया था, फिर तुम्हें एक तार दिया कि तुम लोग वापस जाओ और रवानगी से मुझे मुतला करो, लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई इतला नहीं मिली। इस सिलसिले में मैंने बेदरबे 3 तार दिए लेकिन जवाब ना आ रहा, तो मजबूरन मुझे ही आना पड़ा। हमीद अपना सर हिलाने के अलावा और क्या कर सकता था? गोया सब कुछ इसी कासिम के लिए हुआ था। उसे अगवा करने वालों ने बाकायदा तौर पर एक जाल बिछाया था, ना फरीदी के तार इस तक पहुंचने दिए और ना ही फरीदी उस हमीद के तार फरीदी थे। मगर मकसद क्या था? आखिर फरीदी ही क्यों उसे साथ लाया था? इसे जहाज़ वाले लाश की कॉल भी याद आई। आखिर उन्हें लंदन पहुंचने से कोई बात रखा गया था, इसके बजाय मैट्रेट का क्या मायने रखता था? इसमें फरीदी की पहचाने पे भी नज़रें देखी। पार्ट एंड।